नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट हिंदी का फेसबुक लाइव। मैं हूं अमितेश, इस वक्त राजकोट इलाके में है जहां गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उनसे बात करते हैं। इस वक्त वो आजी डैम पहुंचे हैं जहां पर नर्मदा का पानी आता है, वहां पर इन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद अलग अलग मंदिर में जाएंगे और उसके बाद ये पहुंचेंगे सीधे आज अपना नामांकन दाखिल करने। बात करते हैं विजय जी से। विजय भाई, क्या कारण रहा कि आप यहाँ पर पहुंचे, आजी डैम पहुंचे हैं? यहाँ पर माँ नर्मदा यहाँ विराजमान है। 400 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा का पानी राजकोट की जनता की तरस छिपाने के लिए आया है, तो माँ नर्मदा का आभार प्रकट करने के लिए, माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ डैम पर आया हूँ और उसके बाद मैं पर्चा डालूंगा। एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, चूंकि राजकोट की अगर बात करें, राजकोट से आप पहली बार यहाँ पर विधायक बने, उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने, काफी लकी माना जाता है। चूंकि नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ से जब चीफ मिनिस्टर थे तो उसके बाद यहीं से विधानसभा चुनाव जीते, बाई इलेक्शन में उनको जीत मिली थी। राजकोट भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का गढ़ रहा है। केशुभाई भी राजकोट के थे, मोदी जी ने भी यहाँ से पर्चा डाला था और मोदी जी पहली बार चुनाव राजकोट से लड़े थे और मोदी जी यहाँ से उन्होंने पॉलिटिकल फर्स्ट चुनाव उन्होंने यहाँ से लड़ा था और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वजूभाई भी यहाँ से गवर्नर बने हैं, तो राजकोट पहले से घट रहा है और मेरा सौभाग्य है कि उसी सीट पर से मैं आज पर्चा डाल रहा हूँ। कौन से मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? चूंकि पूरे गुजरात में माना जाए तो बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने आपके विकास के मुद्दे की एक तरह से हवा निकालने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि विकास पागल हो गया है। वो खुद पागल हो गए, उनकी हवा निकल गई है और मुझे लगता है कि गुजरात की जनता उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। आने वाले दिन में कांग्रेस जिस तरीके से पिछले 3 साल से लगातार हार रही है और 2 साल में कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में खत्म होने वाली है। एक सवाल है, हार्दिक पटेल का जिस तरह से आंदोलन चला उसके बाद तमाम युवा जो पटेल हैं इस वक्त हार्दिक पटेल के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक तरह से सफाया हो जाएगा जिस तरह से हार्दिक पटेल का आंदोलन हुआ, आप कैसे? आप लोग उनमें से बाहर निकल जाइए जी, क्योंकि आज पाटीदार समाज कोई उनके साथ नहीं है। वो थोड़े बहुत लोग आंदोलन के नाम पर, समाज के नाम पर चुनाव में मैदान में आ रहे हैं। अब समाज समझ गया है कि ये सब अनामत आंदोलन की बात कर रहे थे, अब टिकट के लाइन में खड़े हो गए हैं, कांग्रेस में जुड़ गए हैं, कांग्रेस का एजेंट बनते हुए काम कर रहे थे, एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए समाज उनके साथ नहीं है। दोनों के बीच में जो लड़ाई चली एक तरह से, उसके बारे में क्या कहेंगे हार्दिक पटेल? उसमें मुझे नहीं कहना है, मुझे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पर आजी डैम पहुंचे हैं, यहाँ पर इन्होंने पूजा अर्चना की और यहाँ पर नर्मदा का पानी जहाँ पर आता है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नर्मदा का पानी यहाँ पर है। राजकोट में जो पानी की समस्या थी उसका समाधान हुआ जब यहाँ पर नर्मदा का पानी आया उसके बाद, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री का कहना है कि हार्दिक पटेल का कोई मुद्दा इस बार चुनाव में नहीं होने वाला है और हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच के जो भी मिलीभगत है वो भी एक्सपोज हो गई है, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। फिलहाल फर्स्ट पोस्ट हिंदी के फेसबुक लाइव में इतना ही। नमस्कार।